बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं दौसा का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बारातियों से भरी चलती बस में आग लग गई है, इस वक्त की बड़ी घटना। अफरा तफरी का माहौल हो गया, बारातियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। दौसा से बड़ी खबर है, दौसा के मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा के सिकराय से बड़ी खबर सामने आई, आपको बता दें कि बारातियों से भरी हुई एक बस में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट शुरुआती कारण बताए जा रहे हैं। बड़ा घटनाक्रम हुआ है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, बारातियों ने कूद कर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है, एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट वजह शुरुआती तौर पर मानी जा रही है, हालांकि जो बाराती उसमें सवार थे उन्होंने खिड़कियों से कूदकर, बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। बड़ा घटनाक्रम हुआ है दौसा के सिकराय में, बारातियों से भरी चलती बस में आग लगने की घटना। आपको बता दें कि मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी घटनास्थल पर घटनास्थल का जायजा लिया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे वहां पर जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि लोगों को बचाया जाए, इस पूरी घटना में किसी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे, इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यही कारण रहा कि वहां पे जो लोग थे, स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने भी इसमें मदद की लोगों को बचाने में। दौसा के सिकराय से बड़ी खबर सामने आई, आपको बता दें कि एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि बारातियों ने कूद कर अपनी जान बचाई, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, संभलने का समय नहीं मिला लोगों को, कुछ समझ पाते उससे पहले बस में आग लगने लगी और ऐसे में लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। बड़ा घटनाक्रम हुआ दौसा के सिकराय में। बारातियों से भरी इस बस में आग लगने की घटनाएं सामने आई है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था, शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, प्राथमिकता ये थी सबसे पहले कि लोगों को बचाया जा सके, इस पूरी घटना में बस में जो लोग सवार थे उन्हें बचाया जाना प्राथमिकता में था।